तो वेलकम बैक, एक और न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है हिट मैन 3। ओके, तो इसके अंदर जो एजेंट है ना 47 भाई काफी ज्यादा फाड़ू बंदा और भाई वन मैन आर्मी है, अकेला जाएगा और भाई पूरी पूरी टीम को खत्म करके आ जाएगा। तो हमें दो टारगेट्स को खत्म करना, पहला ये मार्कस जो भाई काफी तगड़ा बंदा और भाई विलियनियर तो है ही है। ओके, तो हमें दुबई के अंदर एक दूसरा टारगेट है हमारा ये कार्ल, तो काफी ज्यादा ये भी बड़ा आदमी है और भाई साहब इलीगल काम करते हैं ये पूरे पूरे, जिसकी वजह से हमें अब इनको बैंड बजानी है, इनको पूरा पूरा खत्म करना है। तो हम हैं दुबई के अंदर, वैसे इसका नाम चेंज कर दिया है, वैसे बुर्ज खलीफा ही कहते हैं बिल्डिंग को, तो भाई कहना सही है हमारा। तो भाई हमारा एजेंट 47 आ चुका है। एजेंट 47 का टारगेट क्या है, ये दो बंदों को पेलना और साथ के साथ साइलेंट तरीके से, समझ लो कोई हंगामा नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, सिर्फ साइलेंट तरीके से पेलना है। और भाई इतनी सारी भीड़ भाड़ जगह है ना ये बहुत ही तगड़ी वाली, क्योंकि यहाँ एक पार्टी सेरेमनी चल रही है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है और भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाले लग्जरी कार्स और लग्जरी भाई बंदे आ चुके हैं जो बिलियनियर्स हैं। और भाई साथ के साथ उनके ना कपड़े वपड़े देखोगे ना भाई, ये बिल्डिंग के अभी अंदर जाने दो हमको, जब देखना भाई क्या खतरनाक वाली सीन होने वाला है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं भाई क्या हम उन दोनों बंदों को बिल्कुल साइलेंटली मार पाएंगे और भाई बिना किसी को भनक होते हुए और वहां से निकल पाएंगे। तो हमारा काम यही है आज का और भाई देखते हैं क्या होगा। मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं, मेरे को नहीं पता भाई इसके अंदर क्या क्या खतरा है क्या क्या नहीं है, और मैंने ना तो हिटमैन 1 खेला है ना 2 खेला है, सिर्फ 3 खेलने आ चुका हूँ। तो भाई देखते हैं क्या होता है। और भाई काफी ज्यादा डिमांडेड गेम है भाई, काफी ज्यादा आपने भी कमेंट किए थे कि हिटमैन खेलो, जो हमने पिछली वाली सीरीज खत्म की थी ना, तो उसके बाद तो आपने कहा था भाई एवेंजर्स के बाद हिटमैन खेलो, काफी बढ़िया सीरीज है। तो भाई ट्राई करने आ चुके हैं भाई, काफी अमेजिंग होने वाला है। तो हमें इसको स्कैन करना है अपने कैमरे से, जैसे हमें भाई बताया जा रहा है ना हमारी टीम की तरफ से, वैसा ही करना है, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे यार, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है हमारा, और भाई कोई गड़बड़ नहीं करनी है। रुको जरा स्कैन करते हैं, ये ओपन हो जाएगी विंडो। ओके, अनलॉक हो चुकी है और हम इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमारे अभी भी कपड़े अपने गंदे से हैं भाई, इनको सही करना होगा, बच्चे वैसे पार्टी वाले कपड़े पहनने होंगे, जिससे हमें लगे कि भाई उन बंदों को भी लगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी अमीर बंदा है, हमारे साथ घुल मिल कर रह सकता है। नहीं तो भाई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना उधर कि भाई बंदे देखते ही भून देंगे हमें, उनके पास AK-47 है भाई, अलग अलग गन्स हैं, तो भाई अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं भाई, कार्ल का अलग है, मार्कस का अलग है, और भाई साहब जो आम सिक्योरिटी गार्ड है उनकी ड्रेस अलग है। तो भाई काफ़ी मुसीबत आने वाली है, तो ट्राई कर दें। ओके, ट्राई क्या करते हैं भाई, आ ही चुके हैं। और एजेंट 47 का तो आपने नाम सुना ही होगा अगर आपने हिटमैन की और सीरीज देखी है, तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, वन मैन आर्मी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जहां भी जाता है ना अकेला ही जाता है और भाई काफी ज्यादा बंदों को गंदा वाला पेलता है, और काफी ज्यादा बोले तो साइलेंटली पेलता है, ज्यादा हंगामा नहीं करता है, लेकिन वन मैन आर्मी बोले तो 100 बंदों के बीच में ही अकेला घुस के उन्हें साइलेंटली मार के आ सकता है, ये इतना खतरनाक बंदा है। और इसकी ज्यादा बढ़ाई कर दी है मैंने, कपड़े पर चेंज करने के हमको। ओके, कपड़े तो हैं लेकिन इधर से चलते हैं आगे। ओके भाई, ऐसे कपड़ों में अंदर जाएंगे तो भाई मार नहीं लगेगी, कुछ तो होगा, आगे बढ़ते हैं, चलो देख ही लेते हैं। ओके, तो हमारे AK-47 नहीं, एजेंट 47 ने, AK-47 तो अभी तुम्हें देखने को मिलेगी। भाई मैं क्या नाम ले रहा था अभी इसका, AK-47। हाँ तुम कह भी सकते हो इसको भाई, इतना खतरनाक है कि AK-47 के बराबर ही है। ओके, एजेंट 47 नाम है इसका और भाई काफ़ी खतरनाक, और हमने कोट पैंट टाइप के पहन लिए हैं जिससे हमें पूरा का पूरा फील आए कि हम इस पार्टी के अंदर लग्जरी बंदे हैं, बोले तो अमीरी विलियंस बंदे हैं, हम भी एक आध करोड़ के मालिक बन ही जाते हैं ना। ओके भाई, काफ़ी ज़्यादा स्वागत वागत कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं बैंड बजाने आया हूँ इनके मालिक की। ओके भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा किसी को भी शक नहीं हो रहा है हमारे ऊपर कि भाई हम एक एनिमी है या एक दुश्मन है इनके, वैसे तो दुश्मन हमारे लिए ये हैं, लेकिन भाई इधर तो भाई अलग ही चल रहा है, देख सकते हो तो ये रही सेरेमनी। ओके सॉरी, पार्टी चल रही है इधर और कुछ भाषण वाषण से दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने मिशन पे फोकस करना है, इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि भाई इनसे ही पता चलता है हमें क्या क्या करना है। भाई देख रहे हो भाई कितने तगड़े तगड़े बंदे कपड़े पहन के बैठे हैं, और सेक्स भाई देख रहे हो, अरेबिक, क्योंकि हम हैं दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर हैं बुर्ज खलीफा के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लग्जरी है, और दुबई के अंदर तो तुम्हें पता है सेक्स होते ही है। ओके, ये गार्ड्स वार्ड से इनसे तो बच के रहना ही पड़ेगा मेरे को, और भाई साइलेंटली आगे बढ़ना है, जो आपको ये ब्लू डॉट दिख रही है ना इसको फॉलो करना है हमको। ओके, इसका कोड क्या है, कोड बताया जाएगा हमारे जो बैकअप है उनकी तरफ से। 4706, ओके ये कोड है और मेरे को ध्यान रखना है 4706।
अरे टाइप कर दूं भाई, कोई गड़बड़ ना हो जाए, पीछे गार्ड खड़ा है। 4 6 नहीं 4 7 0 6। ओके मैं भी गलत कर देता, यही है ना, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ओके ओपन हो गया, सॉरी ओपन हो गया है। There's quite a bit of security here. वो मेरे को साइलेंटली खेलना होगा, क्योंकि भाई जो सिक्योरिटी अलर्ट वाले एरिया होते हैं ना, उनके अंदर हम इन कपड़ों के अंदर नहीं जा सकते। या तो उधर स्टाफ जा सकता है या गार्ड्स जा सकते हैं। और ये कौन है भाई? ओके ये तो बंदा, ये तो लॉन्ड्री वाले बंदे हैं जो कपड़े पर करते हैं, इनसे कोई डर तो नहीं है ना? और सबको होने लगा, किसी को तो इसको ही होने लगा है। This is a private भाई मैंने गड़बड़ कर दिया, भाई गड़बड़ कर दिया, रुको जरा। वो नहीं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ रहा है, इनको भी शक हो रहा है। ओ सिट सिट सिट, भाग लो भाई, निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो। अब तो मेरे को कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे जब भी बचूंगा मैं। सिट भाई गड़बड़ कर दी भाई, शुरू बात में ही गड़बड़ हो गई। ठीक है इसको शक नहीं है ना, जो दो बंदों को शक है ना गार्ड्स को भाई, व्हाइट कलर की है वो भी ड्रेस उनकी, तो वो नॉर्मल गार्ड्स हैं शायद। के या भाई मार्कस के गार्ड है, कार्ल के तो गार्ड है नहीं भाई। मार्कस थोड़ा कार्ल से कम नॉर्मल बंदा है, उसका ही साथ ही मीटिंग वीटिंग होगी उनकी, तो भाई उसी के लिए आए हैं दोनों बंदे। और भाई दोनों ऊपर भी घूम रहे हैं, देख सकते हो ये रे गार्ड्स उनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो भाई मैं जितना हो सके इतनी जानकारी तो मैं दे रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। ओके कमेंट्री भी भाई अच्छी खासी है, लेकिन भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं। लेकिन मैं थोड़ी देर इधर ही इंतज़ार करता हूं दुबक के, या कपड़े चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो इधर ही वेट करता हूं, थोड़ी देर में भाई शांत वांत हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके भाई मैं आगे आ चुका हूं उधर से निकल के, क्योंकि फिर से मेरे को जाना तो इधर ही है, क्योंकि पॉइंट तो इधर ही आ रहा है, मेरे को जाना इधर ही है। लेकिन अब फिर से जाएंगे लेकिन साइलेंट तरीके से, अब किसी की नज़रों में तो आना ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं आना है। इजिन 47 का नाम ही यही है भाई, वन मैन आर्मी और साइलेंट अटैकर। भाई साइलेंट तरीके से सारे बंदों को फोड़ देता। और ये तो बंदा भाई सीक्रेट भी रहा है मेरे सामने भाई, जीटी होता ना इसकी बैंड बजाते था अभी मैं। धूम्रपान करता है मेरे सामने चिमकांडी, धूम्रपान नहीं करने का, रहने दो भाई, छोड़ो भाई अभी फिर से फंस जाऊँगा। ओके गार्ड्स हैं सिंह, ओके एक और आ गया, मैं तभी कहूँ। ओके अभी पीछे शक हुआ था किसी को, ऐसा लगा है मेरे को तो उस भाई लॉन्ड्री वाले को ना फिर से शक होने लगा है, आना जाए भाई फिर से फंस जाऊं मैं, अब के तो भाई बैंड ही बच जाएगी मेरी। भाई दबा अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा लो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। ओनली 5K लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो के ऊपर, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा ही दोगे मुझे पता है, ओनली 5K लाइक्स। ओके गार्ड जा रहा है, और ये गार्ड से बच के मैं निकल गया भाई फाइनली। मेरे को विंडो ओपन करनी है जिससे भाई ये इनकी थोड़ा चौंक जाएं। ओके समझ लो चौंक जाएं, और भाई साहब इनको कुछ अलग लगे कि विंडो ऐसे कैसे ओपन हो गई है भाई, लॉक्ड विंडो, किसी को सोचा था वही हुआ है। जो हमें कमांड दे रहे ना कमांडर, वो भी भाई काफी समझदार है, और मेरे को गया। अरे नहीं मेरे को फायर वायर, ओके ताल यूज करनी थी लेकिन मैंने की नहीं है। ओके मरा तो नहीं होगा लेकिन व्यूज जरूर हो चुका है ये बंदा, इसकी ड्रेस ले सकते हैं। ओके इसकी ड्रेस ले लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसी ड्रेस लेने के बाद ना तो हम बहुत सारी जगह एंटर कर सकते हैं। गार्ड है ना ये मार्कस का, और कार्ल के गार्ड्स ना अलग है, उनके रेड टोपी ब्लैक भाई पूरे पूरे कपड़े ब्लैक कमांडो टाइप के होते हैं। तो एक बंदे को तो ठिकाने लगा दिया है, काफी भाई अच्छा लग रहा है मेरे को, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ ना, इतना अच्छा खेल रहा हूँ ना, काफी अच्छा। तुम्हें भी लग रहा होगा भाई इतना अच्छा खेल रहा है, नहीं नहीं लग रहा, क्या बात कर रहे हो भाई, कभी ट्राई करना, बहुत हार्ड गेम है ये। ओके अब मेरे को कोई नहीं पहचान सकता। नहीं पहचान रहा भाई, कोई भी नहीं पहचान रहा। ओके बाय द वे मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इतना भी नहीं है लेकिन थोड़ी आवाज लग रही होगी अजीब आपको, तो एडजस्ट कर लेना, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी हमने। Sheikh Al-Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts. ओके मेरे को ऊपर जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा ना मैं, कभी इधर से टपके। और भाई बुर्ज खलीफा की हाइट तो तुम जानते ही हो, और इतनी ही ऊंची ये बिल्डिंग है, चाहे इसका नाम चेंज कर दिया है कॉपीराइट की वजह से,
लेकिन भाई काफी बड़ी बिल्डिंग है यार, यहाँ से गिरे ना, क्योंकि बादल भी देख सकते हो भाई इससे नीचे हैं। वैसे बनाते क्यों हैं लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अपना नाम करने के लिए, जैसे बुर्ज खलीफा है, और बहुत सारे बिल्डर्स अपनी बिल्डिंगों को बहुत सारे लोग बना रहे हैं बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो रियल लाइफ के अंदर। और हमारा एजेंट 47 आगे बढ़ता हुआ, वैसे मैं AK-47 भी बुलाऊँ ना इसको तो भाई गलत नहीं है बात, क्योंकि भाई ऐसे ही मारता है ये बंदा। अभी तक सिर्फ हमने एक बंदे को पीटा है और भाई कुछ बंदों से बच चुके हैं। अरे किधर जा रहा है भाई, गलती से दब गया, सॉरी, अभी नीचे ही चले जाता मैं। मेरे को फिर से कैमरा ऑन करके इसको स्कैन करना है और ओपन करना है इसको। ओके, इसी से देख सकते हो भाई क्या चल रहा है। ओके, इस ड्रेस के अंदर मैं अंदर जा सकता हूँ क्या भाई, क्योंकि हर जगह का ना एक ड्रेस नहीं होता, हर जगह के अलग अलग गार्ड्स हैं यहाँ। ओके, तो भाई कैमरों से व्यस्त हुआ और मैं ओके, सामने सिक्योरिटी रूम तो है लेकिन मेरे को की चाहिए, इनके पास होगी। गया चिमकांडी, नहीं भाई इसके पास कोई की नहीं मिली है मेरे को, लगता है ये मेन बंदा नहीं है। जो मेन बंदा होता है ना उसके पास की होगी भाई। ये सर्वर रोम को भाई रिपेयर करने वाले बंदे, इसकी बॉडी किधर डाली जाए, इसके भाई बॉक्स बॉक्स किसी के अंदर तो डाली जाए लेकिन कुछ चमक नहीं रहा मेरे को, इधर ही छोड़ा जाए क्या भाई, किसी ने देख लिया तो राड़ा हो जाएगा। ओके, इधर छोड़ देते हैं, इधर कोई नहीं देखेगा, टेबल के पीछे भाई कौन आ रहा है इधर टेबल के पीछे देखने। और आगे बढ़ता हूँ मैं भाई सब भाई मज़ा आ रहा है भाई, जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा मज़ेदार गेम है भाई। थैंक यू यार जिसने भी रिकमेंड करा है ना भाई, ओपन द चैट एजेंट 47 को भाई ओपन द चैट लिख दो भाई, क्या खतरनाक है ये वाली ब्लैक ड्रेस ना। ये जो कार्ल है ना, बिलियनर्स जो भी कार्ल है उसके साथ मीटिंग होने वाली है, जिसको भाई बंदे ने देख लिया। सॉरी सर, सॉरी, मैं आपके टीम का हूँ भाई, इसको भरना पड़ेगा तेरी ऐसी की तैसी भाई, क्यों भाई मुक्की वाला लड़ा है भाई। गया चिमकांडी भेस, अरे नहीं उठ रहा है इसकी ऐसी की तैसी, रुको। फाइबर वार से भाई काट दिया भाई, गला काट दिया भाई, फाइबर तार से भाई इसका काट दिया, और मेरे को इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है भाई। एक ऑलरेडी भाई उधर पड़ा था और एक ये रहा भाई, गायब हो गया उधर से तो। ओके, इसके अंदर रख सकते हैं, ऑप्शन मैंने सोचा भाई आ रहा है। अरे भाई भाई QR कोड लग रहा है क्या, इसकी खोपड़ी में टकलेगी। इसको भी अंदर डाल देते हैं भाई, किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो उस वाली बॉडी को शायद कोई ले गया है यार। जब मैं सर्वर रूम के अंदर गया था ना तो भाई कोई ना कोई ले गया उस बॉडी को, और मेरे को लग रहा है कोई ना कोई गार्ड्स आएंगे, जैसे ये दो आए थे ना तो शायद कोई ना कोई और भी आ सकता है इनको ढूंढते हुए, लेकिन इनकी बॉडी नहीं मिलने वाली। कौन भाई अलमीरा खोल के देख रहा है। ओके, AK-47 मिल चुकी है हमको, एजेंट 47 को AK-47 भाई, AK-47 ही है ना लग तो, ऐसे दिए हाथ में, मैंने पढ़ा नहीं है नाम भी आया होगा तो नहीं, AK-47 ही है भाई, नहीं पता नहीं अभी। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे को आगे जाके ना शायद यही है जो गार्ड है ना, जो सिक्योरिटी रूम का भाई, इसके पास ही एक्सेस होगा भाई, यही है बंदा मेन बंदा जो इनका, यही ना इसके पास ही होगा सिक्योरिटी का गार्ड। मेरे को इसको मारना है बिल्कुल साइलेंटली, अरे ये लड़की भाई मरवाई की मेरे को, क्या लगता है इसके सामने मार सकते हैं, अगर इसका फेस वाली तरफ को रहा ना मार देते हैं फायरवर्क की तार से। ओके, मौका तो है लेकिन देख सकती है भाई, छोड़ो भाई मैंने तो ठोक दिया भाई, भाई अंदर प्लीज मुंडी नहीं घुमाना भाई, अंदर गया। ओ भाई साहब क्या बात है भाई, ये ना मोमेंट ओपी है। ओके, इस लड़की को मारने की अब जरूरत नहीं है, कार्ड मिल चुका है हमको। ठीक है, अब जाते हैं सर्वर रूम की तरफ, जाते हैं सिक्योरिटी रूम की तरफ। सर्वर रूम का की कार्ड तो मिल चुका है, हम जाके उसको हैक कर सकते हैं, सारे के सारे डिसेबल कर सकते हैं, मीटिंग चेंज कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। ओके, की स्कैन कर दिए, अभी भी लॉक नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो करना है मेरे को। नहीं लॉक्ड है भाई, अनलॉक नहीं हुआ है। ये है
भाई इनमें से किसी एक को खींचना है मेरे को, इसको खींच के देखते हैं। ओके वो तो अच्छा है भाई, टीम भाई बताती रहती है। ओके अनलॉक हो चुका भाई, अब मैं सारी चीजें अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मीटिंग चेंज कर सकता हूँ। ओके हो गई अपडेट मीटिंग। गुड वर्क। और दूसरे नंबर पे क्या है ये? The partners should be moving up here shortly. Elevator doors ये ओपन कर देता हूँ भाई, भागने में मदद होगी। Sealed off for private conversations. ठीक है, कैमरा डिसेबल। Building cameras are now disabled. ये भी हो गया। Excellent. भाई सारी सारी चीजें ना अपडेट कर दी है मैंने, चेंज कर दी है भाई सारी सारी चीजें जो मेरे लिए ना फायदेमंद हो सकती हैं, वो सारी सारी चीजें कर दी हैं। अब मेरे को बस कितना काम करना है कि वही उन बंदों को ढूंढ के ना ठोकना है सिर्फ, और भाई इतना आसान नहीं है, साइलेंटली ठोकना है। अगर मैंने कुछ भी पंगा किया या कुछ भी साउंड वाउंड गन की गोली चलाई तो मैं पकड़ा जाऊंगा और भाई बहुत गंदा वाला मारेंगे, क्योंकि हम दुबई के अंदर हैं भाई, दुबई, और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं हो सकता। मानते हैं कि हमारी टीममेट हमें निकाल लेंगे, लेकिन इतना भी नहीं करना कि भाई साइलेंटली खेलना है हमको, क्योंकि भाई एजेंट 47 का काम ही यही है भाई, साइलेंट तरीके से भाई पूरी पूरी आर्मी को ख़त्म कर देना। वन मैन आर्मी बंदा है ये। इसको शक हुआ है। अरे यार क्यों होता है इनको भाई, इसे मारना पड़ेगा। सॉरी सर। ओ भाई साहब क्या फेला है। चिमकांडी ने भाई मुक्का भर दिया सीधा। गया चिमकांडी, उठेगा नहीं ना अब तो, बिल्कुल ही उठेगा। अरे सेठ यार मेरे को इसको दुबकाना पड़ेगा। अरे यार छिपाना पड़ेगा इसकी बॉडी को, मुझे अपने टारगेट तो पता है, उधर दिख रहा है, ऊपर है भाई, लेकिन मेरे को इसको छुपाना। इधर से फेंक सकते नहीं, इधर तो क्लोज है। ओके भाई फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ भाई, इतना परफेक्ट कोई नहीं खेलता मेरे को लगता है। हाँ भाई अच्छे यूट्यूबर खेल सकते हैं, अच्छे गेमर्स खेल सकते हैं, लेकिन मैं तो भाई न्यू हूँ ना, तो अपने हिसाब से कह रहा हूँ मेरे जैसा कोई खेल ही नहीं सकता भाई। अपने मुँह से अपनी बढ़ाई, क्या बात है। वैसे अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा लो, और एम रखा था हमने 5K लाइक्स का, मुझे पता है आपने भाई आधा तो कर ही दिया होगा। ओके नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? मैं अभी तो नीचे चल रहा हूँ भाई, लग तो रहा है नीचे है। The partners are alone now. अरे नहीं यार ऊपर ऐसा है। I'll activate the panel controlling the room's security features. When you're ready, use it to start the show. अरे नहीं ऊपर ही जाना था मेरे को भाई, मैं गलत आ गया हूँ। ओके रुको जरा, वो तो अच्छा है हमारे पास की कार्ड्स हैं सभी को अनलॉक करने के, एक सिक्योरिटी गार्ड बनने का यही तो फायदा भाई सिक्योरिटी गार्ड का, आपके पास हर चीज का तोड़ मिल जाता है। और वैसे भी हम कार्ल के बन चुके हैं, मार्कस के नहीं सीधे कार्ल के, और भाई दोनों की मीटिंग हमने एक जगह फिक्स कर दिया जो मेरे को जल्द से जल्द ऊपर जाना है, और भाई मीटिंग हो रही होगी उनकी या स्टार्ट होने वाली है मीटिंग, पता नहीं है लेकिन हो रही है शायद उनकी मीटिंग। उनके एरिया में जाने के लिए मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है भाई, कोई भी परमिशन की, क्योंकि भाई मैं कौन हूँ भाई, उसका ही भाई गार्ड हूँ भाई। ओके तो मेरे को कोई रोकेगा ही नहीं, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है अब इन दोनों बंदों को ठोकना। How are you, sir? ओके कोई नहीं पहचान रहा भाई, उस बंदे ने पता नहीं कैसे पहचान लिया, लेकिन भाई अब तो कोई नहीं पहचान रहा। Great, sir. ओके मैं पहुंच लिया हूँ फाइनली भाई, सामने जो आपको रूम दिख रहा है ना उधर ही जाना है मेरे को, वो जो साइड में आपको गिलास दिख रहा है ना ये वाटर है भाई, इधर भाई क्या लग्जरी बना रखा है भाई इसको। ओके सामने आपको दिख रहा होगा जो एरिया दिख रहा है ना उधर ही है दोनों बंदे, कार्ल और मार्कस, दोनों को ही पेलना है मेरे को, और बिल्कुल साइलेंट तरीके से। ओके मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैंने सिक्योरिटी रूम में जो चीज़ देखी थी कि हम इसको चारों तरफ से कवर कर सकते हैं, अगर कोई बंदा अटैक करता है ना तो हम इस एरिया को जिस जो मेन एरिया है इनका मीटिंग रूम, इसको कवर कर सकते हैं जो आपको सामने पॉइंट दिख रहा है ना इससे। ओ भाई अब ना तो अंदर का साउंड बाहर, नहीं बाहर का साउंड अंदर। इनको पता नहीं क्या हुआ भाई, ये पूछ रहा उससे लेकिन उसको ये नहीं पता। अब तुम भाई AK-47 निकाली जाए भाई, AK-47 नहीं AK-33 है। Gentlemen, what's the meaning of this? ये गया और ये गया, भाग रहा किधर है साला। ओके गया भाई, इनकी बॉडी को अब छिपाना है मेरे को बस।
ओ भाई परफेक्ट भाई, अब बस इतना सा काम रह गया मेरा कि मैं इनकी बॉडी को छिपा दूं कहीं और भाई यहां से चुपचाप निकल जाऊं भाई बिना किसी को खबर किए। थैंक यू। ओके तो मेरे लिए सारा का सारा इंतजाम तो मैंने पहले ही कर लिया, लॉक कर लिए सारे के सारे डोर एग्जिट जहां से मैं निकल सकता हूं क्योंकि मैंने इनका सिक्योरिटी रूम हैक कर लिया था। आ जा बेटा, लेकिन ब्लड भाई ब्लड का छोड़ो भाई, कोई नहीं आने वाला इधर। जितने में ये देखेंगे ना ब्लड विलड या जो भी फोकस करेंगे इतने तो मैं भाई इस बिल्डिंग से गायब होऊंगा। इधर तो मैं चमकूंगा नहीं इन चिमकांडियों को। अरे भाई मेरे पास चांस है लेकिन मेरे को अभी बाहर निकलने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा रिक्स है क्या लगता है, किसी को पता नहीं चला भाई कौन कौन कवर नहीं हुई है। इनको भी लग रहा है मैं सिक्योरिटी रूम और कोई सीक्रेट बात बताने के लिए मैंने ये ऑन ऑफ किया था। अरे भाई क्या चीज है। और फाइनली फर्स्ट मिशन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। भाई क्या लगता है भाई, कमेंट में जरूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा, इसके और एपिसोड लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए, अमेजिंग सीरीज लगी नहीं लगी मेरे को तो भाई आड़ू लगी, एक नंबर वाली सीरीज लगी। तो कमेंट में जरूर बताना और ये पैरासूट और भाई यहाँ से हम निकल सकते हैं 1 2 3 वाओ। तो आज के लिए इतना ही भाई, पसंद आया तो लाइक कर देना वालों, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।